thank <laughs> you प्यारे बच्चों आदाब कैसे हैं आप ठीक है ना अब कोरोना के ज़माने हैं आप अपने घरों में सेफ होंगे उम्मीद रखते हैं आप सेफ़ रहें और आपके घर वालों के लिए भी आप सेफ़ रहना या घरों में ही रहना ज़रूरी है सबसे पहले मैं आपको चंद मिसरे सुनाता हूँ आप गौर से सुनिए और बताने की कोशिश कीजिए वो गज़ल है या नज़म है या रुबाई है या कुछ और हाथ को जब हाथ में ले लेती है दुख दे में सुख शांत की गोया तू हरी कीती है तू हाथ को जब हाथ में ले लेती है दुख दर्द जमाने के मीठा देते दुख दर्द जमाने के मीठा देते है अच्छा बच्चों बताइए ये क्या है गजल है नहीं क्या है ये हाँ आप लोगों ने पिछले साल ये सबक पढ़े हैं एक रुबाई है अच्छा ज़रा बताइए रुबाई क्या है रुबाई असल में उर्दू शायरी की एक किस्म है तो रुबाई के बारे में और आप क्या क्या जानते हैं रुबाई पता है आपको किस जबान से लफ्ज़ आया है लफ्ज़ रुबाई नहीं पता ज़रा कोशिश कीजिए हाँ लफ्स रुबाई अरबी जबान से निकले हैं और रुबाई का लफ्ज़ अरबा अरबी के लफ् अरबा से आए हैं क्या है अरबा अव्वल सानी सलासा अरबा क्या है उसका माना चार के हैं अरबा के माना चार के हैं ये चार से निकलकर जो चार मिसरों वाली होने की वजह से इसे हम रुबाई कहते हैं अच्छा ज़रा बताइए रुबाई का दूसरा नाम क्या है रुबाई का दूसरा नाम पिछले साल आप लोगों ने पढ़े हैं क्या है वो रुबाई का दूसरा नाम दो बैती है दो बैत होने की वजह से उसको दो बैती भी कहा जाता है अच्छा आपको पता है रुबाई में कितने मिसरे होते हैं हाँ रुबाई में चार मिसरे होते हैं मिसरा और शेर का फ़र्क ज़रा बताने की कोशिश कीजिए मिसरा जो गज़ल हमने इस साल पढ़े थे जो इकबाल के गज़ल हैं उसमें उसका पहला शेर आपको याद है क्या था वो सितारों से आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है तो उसका पहला मिसरा है सितारों से आगे जहां और भी है और दूसरा मिसरा अभी इश्क के इम्तिहान और भी है तो जब ये दो मिसरे मिल जाते हैं तो वो एक शेर बन जाते हैं तो रुबाई में सिर्फ चार मिसरे होते हैं चार शेर नहीं चार मिसरे होते हैं अच्छा और रुबाई के बारे में आप क्या क्या जानते हैं हाँ बताइए हाँ ठीक है आप जो बताया रुबाई का पहला दूसरा और चौथा मिसरा क्या होते हैं हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं तो जो रुबाई मैंने अभी आपको सुनाया आप ज़रा उस पर गौर कीजिए इसमें रदीफ़ और काफिया कहाँ कहाँ आते हैं तो जब हाथ में हाथ ले लेता है इसमें आपने देखा पहला दूसरा और चौथा मिसरा है 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 में ख़त्म होते हैं ये है रदीफ़ तो पहला दूसरा और चौथे में आने की वजह से हो हम उसे हम रदीफ़ कहते हैं और रदीफ़ से पहले आने वाले लफ्ज़ जो एक ही शब्द के या एक ही सुनने में एक ही तरह लगते हैं उसको हम काफिया कहते हैं तो काफिया भी पहले दूसरे और चौथे शेर में आ जाते हैं इसलिए हम उसे हम काफिया कहते हैं तो इसमें भी ऐसे ही अल्फाज आए हुए हैं और क्या जानते हैं आप रुबाई के बारे में आपको पता है उर्दू के मशहूर रुबाई ग शरा कौन कौन है हाँ पिछले साल आप दो रुबाई ग शराव के नाम ज़रूर पढ़े होंगे कौन कौन है वो फिराक़ गोरखपुरी और मेर बबर अली अनीस तिलक चंद महरूम अलताफ़ हुसैन हाली ये सारे क्या है रुबाई ग्रा है उर्दू के मशहूर और मरूफ़ रुबाई गो शरा है बच्चों उर्दू के मशहूर रुबाई गो शरा के नाम मैंने अभी बताया उनके तस्वीर आप ज़रा देख लीजिए अच्छा बच्चों रुबाई के बहुत सारे खूसियात अब मैंने आपको बताए हैं एक एक पॉइंट करके ज़रा देख लीजिए और नोट कर लीजिए रुबाई उर्दू शायरी की एक अहम सिंफ़ है रुबाई का दूसरा नाम दोबैती है रुबाई में चार मिसरे होते हैं रुबाई का पहला दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होते हैं फिराक़ गोरखपुरी मेयर बबर अली अनीस, तिलक चंद महरूम अलताफ़ हुसैन हाली वगैरह उर्दू के मशहूर रुबाई को शोरा हैं अच्छा अब हम मीर बाबर अली अनीस के एक रुबाई जो हमारे दरसी किताब में है उसको पढ़ेंगे अच्छा आपको पता है मीर बाबर अली अनीस कौन है आपके किताब में दिया हुआ है मीर बाबर अली अनीस मीर बाबर अली उनके नाम है और अनीस तखलुस ये तखलुस क्या है पता है आपको तखलुस क्या है गालिब, मीर, अनीस, ये सारे तखलुस है शोरा जो ख़ुद नाम दे देते हैं उसको तखलुस कहते हैं अच्छा बच्चों क्या आप जानते हैं मीर बबर अली अनीस को मीर बाबर अली उनका नाम है और अनीस तखलुस तो उनका तखलस है अनीस जैसे गालिब है मीर है सौदा है ख़ाली है तो ये सारे ही अलग अलग शुरा के तखल है तो हमारे अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए वो एक कलाम शायर और माहिर फनकार माने जाते हैं उनकी शायरी में वो गालिब आए हैं और वो बहुत ही अच्छे शायर थे और उनके मजमूए का नाम रुबायात अनीस है तो ठीक है आज हम मीर बबर अली अनीस के वो रुबाई पढ़ेंगे जो हमारे दरसी किताब के तीसरा सबक है बच्चों आप अपने दरसी किताब में ज़रा देखिए वो रुबाई मैं एक दो बार आपको पढ़कर सुनाता हूँ मिट्टी से बना है दिल को तो संग न कर हर बात पे मोतरज न हो जंग न कर मिट्टी से बना है दिल को तो संग न कर हर बात पे मोतरज न हो जंग न कर मंजूर अगर है जा दिलों में दोस्त बेहतर है के दुश्मन को भी दिल तंग न कर मंजूर अगर है जा दिलों में दोस्त बेहतर है कि दुश्मन को भी दिल तंग न कर बचो क्या आप जानते हैं मिट्टी क्या है मिट्टी नहीं पता तो देख लीजिए ये लड़की हमें दिखा रहे हैं। ये है मिट्टी और अगले लफ्ज़ है दिल दिल तो देख लीजिए दिल का तस्वीर यहाँ दिखा रहे हैं आपको और इस शेर का एक मुश्किल अल्फाज है संग संग के माना क्या है ज़रा बताइए नहीं पता तो देख लीजिए ये लड़की हमें दिखा रहे हैं संग क्या है ये संग या पत्थर है तो मिट्टी से बना है दिल को तो संग न कर और अगला शेर है हर बात पे मोतरज न हो जंग न कर मोतरज होना एतराज़ करना क्या है एतराज करना डिसग्री करना ना मानना और इसी तरह जंग न कर जंग के असल माना वार के हैं यहाँ हम कह सकते हैं लड़ना झगड़ना जैसे बच्चे लड़ते हैं ना और अगला शेर है मंजूर अगर है मंजूर मानना वहाँ हम मोतरज करना कहा उसके जस्ट अपोजिट है यहाँ मानना मंजूर अगर है जा दिलों में ये दोस्त दोस्त तो आप जानते ही हैं आपको बहुत सारे दोस्त होंगे ना अभी आप घर में बैठ के दोस्तों को मिस कर रहे होंगे ठीक है और हमारा इस रुबाई का आखिरी शेर है बेहतर है कि दुश्मन को भी दिल तंग न कर बेहतर क्या है बेहतर का माना, बेटर है बेहतर है कि दुश्मन को दुश्मन दोस्त के ऑपोजिट है दुश्मन दुश्मन को भी अपना दिल दिल तो हमने पहले भी देख लिया है दिल क्या है तंग न कर तंग करने का माना तकलीफ़ देना है तो आप एक एक शेर को लेकर ज़रा उसका माना समझने की कोशिश कीजिए मिट्टी से बना है दिल को तंग न कर शायर ऐसा क्यों कहता है पता है आपको आप ज़रा बता सकते हैं इंसान को या आदम को किस चीज़ से बनाया है आदम को ख़ुदा तला ने मिट्टी से शक्ल देकर मिट्टी से बनाया है ठीक है तो इंसान के जिसम के हर हिस्से मिट्टी से बनाया हुआ है तो हमारा दिल भी मिट्टी से बनाया गया है तो शायर वही कह रहा है मिट्टी से बनाया इस दिल को तुम लोग संग न कर पत्थर न बनाओ मिट्टी का क्या ख़ूबी है पता है आपको मिट्टी बहुत नरम होते हैं तो शायर यही कह रहा है कि अपने दिल को तुम लोग नरम रखो या दिल के असली हालत नरमी के हैं हम उसको सख्त कर रहे हैं लेकिन शायर कह रहा है उसको आप पत्थर की तरह सख्त ना बनाओ दिल को आप नरम रखो और दूसरे शेर पर शायर क्या कह रहा है हर बात पर जो भी बात अच्छी बात हो बुरी बात हो इस हर बात को ना मानना इनकार करना ये ठीक नहीं है जो लोग अच्छे अच्छे बात कहते हैं उसको मानना चाहिए हर बात से इनकार करना और हर, हर बात पे लड़ना ये भी ठीक नहीं है शायर तीसरे मिसरे में कह रहा है कि अगर ये बात जो बात मैंने पहले दो मिसरों में बयान किया है अगर आप उन बातों को आप मानते हैं मंजूर करते हैं अगर आप उन बातों को मानते हैं तो क्या करना चाहिए मंजूर अगर है जा दिलों में दोस्त ये दोस्तों तुम लोग अपने दिलों में ये बात मानते हो सही तरह आप इन बातों को मानते हो तो क्या करना चाहिए आप अपने दुश्मन के दिल को भी दुश्मन के जिसम या दुश्मन को दूसरी तकलीफ़ नहीं दुश्मन के दिल को भी तकलीफ़ पहुंचाने वाले बात को ना कहो अच्छा बच्चों तो शायर हमसे क्या कह रहे हैं हमारा दिल को नरम रखना चाहिए हमारे दिल में इंसान दोस्ती होना चाहिए हम दूसरे इंसानों से मोहब्बत का सलूक करना चाहिए और किसी से भी नफ़रत से कभी पेश ना आना ये पैगाम शायर इस रुबाई के ज़रिए हमें दे रहा है यहाँ तक कि जो आपके दुश्मन है जिससे आप लड़ते जगड़ते हैं उनको भी तकलीफ़ पहुँचाने से आप बाज रहे या उनको भी तकलीफ़ ना पहुँचाए बच्चों इस रुबाई के जरिए शायर हमें ये पैगाम दे रहे हैं तो आइए बच्चों अब हम ज़रा इसे एक मीठी आवाज में तरन्नम के साथ जरा सुनते हैं मीठी से बना है दिल Grazie. Te... तो कैसे लगा आपको अच्छा लगा वो लड़की ने ख़ूबसूरती से इस रुबाई को गाया है ठीक है अच्छा अब आप ज़रा इन सवालों को देखिए और अपने नोटबुक में इनका जवाब लिखने की कोशिश कीजिए रुबाई का दूसरा नाम क्या है पहला सवाल है रुबाई का दूसरा नाम क्या है दूसरा सवाल है रुबाई में कितने मिसरे होते हैं रुबाई में कितने मिसरे होते हैं तीसरा सवाल इस रुबाई का मफहम अपने अल्फाज में लिखिए इस रुबाई का मफहम अपने अलफाज में लिखिए चौथा सवाल इस रुबाई के ज़रिया शायर क्या पैगाम देना चाहता है इस रुबाई के जरिए शायर क्या पैगाम देना चाहते हैं अब रुबाई का माना आप समझ गए हैं और रुबाई के जरिए शायर क्या कहना चाहता है वो भी आप मालूम कर चुके हैं अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ वो है फेल फाइल और मफूल फेल क्या है फाइल क्या है और मफूल क्या है तो देख लीजिए मैं आपको दो तीन छोटे छोटे जुमले दिखाता हूँ वो पढ़ने में आसानी से आप समझ सकते हैं ज़रा देखिए आहमद आम खाता है समझ में आ गया ना आपको ये बहुत ही सिंबल जुमला है बच्चों फेल क्या है एक काम का करना या होने का हम फेल कहते हैं तो इस जुमले में फेल कौन सा है हाँ वही है खाता है और खाने वाला या फाइल कौन है अहमद है और अहमद क्या खाता है आम खाता है तो फेल से आरे अलेंगल इंदिने फेल नोटमे आरे अलगे एने चोदा उत्तर क्या मफोल फाइल वो है जो काम करने वाला है अगले जुमला जरा देखिए गोबाल ने शाम को मारा गोबाल ने शाम को मारा इसमें फेल कौन सा है हाँ मारा कन्नु अल और फाइल गोपाल और एने अरे को अदान सांप मफोल तीसरा सेंट देखिए जोसफ जंगल से लकड़ी लाया इसमें फिर क्या है लाया कों वन और लाने वाला कौन है जोसफ जोसफ है यहाँ फाइल करने वाला और क्या लाया लकड़ी वो लकड़ी है मफूल बच्चों आपके दरसी किताब के पेज नंबर उन्नीस पेज नंबर नाइनटीन में फेल फाइल और मफूल के बारे में बताया है आप ज़रा उसे पढ़कर देखिए हमारे अगला सबक पता है आपको क्या है हमारा अगला सबक फिल्म मुगल अज़म के बारे में एक तबसरा है तो फिल्म मुग़ल अज़म एक बहुत अच्छी कहानी है जो तारीखी है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं मीडिया के जरिए यूट्यूब के ज़रिए ज़रा एक बार उसे देखकर आइए बच्चों इसी के साथ हमारे आज के ये सबक ख़त्म होते हैं मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ खुदा हाफिज